Hello guys, so we are back with the last session of lines and angles. So इस session में हम लेंगे कुछ doubts जो कुछ बच्चों ने भेजे हैं, है ना? एक request था to explain example 5 again, ठीक है? तो ये है solved example textbook से example number 5, जिसका diagram given नहीं है, ठीक है? तो पहले question समझो, see, if a transversal, अच्छा, मतलब एक transversal है इंटरसेक्ट टू लाइंस, अच्छा मतलब दो लाइंस है, तो ये देखो दो लाइंस है, यस सिर्फ टू लाइंस बोला है, पैरेलल तुम ड्रॉ कर लो क्योंकि आखिरी में प्रूव करना है दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, तो पहले से तुम ऐसे ड्रॉ करके रखो. एंड देन देयर इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, सच दैट ये ट्रांसवर्सल कुछ इस तरह है दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल. तो देखो कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल सिलेक्ट करो, ठीक है, तो हम सिलेक्ट करेंगे ये पेयर ऑफ एंगल्स, एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग है, यस, इनके जो बाइसेक्टर्स है, देखो इस एंगल का ये बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर मतलब क्या, ये x तो ये भी x, करेक्ट, ये है इसका बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स, देखो द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, मतलब ये जो दो ब्लैक लाइंस है ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये गिवन है ऑलरेडी सब कुछ. प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब देखो ये है PQ, ये है RS, तो तुमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट द टू लाइंस PQ इज पैरेलल टू RS, ये प्रूव करना है, करेक्ट. गिवन क्या है, ये जो दो बाइसेक्टर्स है ना, इनको नाम देता हूं मैं AB और CD, ये दोनों पैरेलल है, AB बाइसेक्टर इज पैरेलल टू CD बाइसेक्टर, ठीक है, और यहां पे एक और लाइन को नाम दे देते हैं UV, चलेगा, करेक्ट. तो गिवन क्या क्या है, देखो ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल x है और ये भी एंगल x है, ठीक है ना, तो इनको नाम दे देते हैं एंगल UAB इज इक्वल टू एंगल BAQ इज इक्वल टू x, चलेगा. अब देखो यार क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है तो ये और ये भी x हो जाएगा कि नहीं, यस yes, या तो y लोगे तो भी चलेगा गाइस, y ले लोगे तो भी चलेगा, चलो इसको y ले लो, चलेगा क्या, y तो ये भी y, यस yes, ये एंगल इससे इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये CD बाइसेक्टर है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर है ना, तो हम लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCS is equal to y, दोनों y, ये भी y, ये भी y, करेक्ट. बोल रहे हैं प्रूव करो PQ is parallel to RS, ठीक है. देखो इस डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ब्लैक वाली सिर्फ उतनी बनाता हूं, चलेगा क्या, और ये ट्रांसवर्सल ऐसे है ना, ये है हमारी CD, ये है हमारी AB, ठीक है, इसके ऊपर का देखो ये एंगल और ये एंगल, ये है x, ये है y, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हुए कि नहीं हुए, यस और नो, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट. प्रूफ क्या बोला है, देखो वी नो दैट AB इज पैरेलल टू CD, गिवन है ना, अब क्योंकि ये पैरेलल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सम 1 2, करेक्ट. अब क्या मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2x इज इक्वल टू 2y, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हां कि नहीं, यस, व्हाट इज 2x गाइस, 2x ये एंगल है, देखो तो जरा कौन सा, ब्लू से मार्क करते हैं उसको, दिस इज 2x, यस और नो, तो वहां एंगल का नाम लिख दूं क्या, UAQ, एंगल UAQ,
इज इक्वल टू टू वाई, टू वाई ये एंगल है y प्लस वाई, देखो ये y और ये y, टू वाई ए सी एस इज इक्वल टू एंगल ए सी एस, यस यार लेकिन ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है हाँ कि नहीं, और हमने क्या प्रूव कर दिया दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, किसके हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पी क्यू और आर एस के, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल बाय कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, है ना, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल, देखो करस्पॉन्डिंग है ये तो हमको पहले से पता था बच्चों, लेकिन इक्वल है ये नहीं पता था ना, इक्वल तो वो तब होंगे जब लाइंस पैरेलल होगी, या प्रूव करो इक्वल है, तो हमने प्रूव किया कि वो इक्वल है एंड देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, हेंस प्रूव, क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा है, अब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, मार्क करके रखो इसको, जब हम मिलेंगे तो मिलके पर्सनली सिखा दूंगा, ठीक है, फाइन। अच्छा एक और क्वेश्चन का रिक्वेस्ट था डाउट में, सो एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन पूछा है किसी ने, यस तो 6.3 का सेकंड क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देखो लिखा के तो पूरा सॉल्यूशन दिया है इसका, ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझो, देखो यार ये एंगल है 62 गिवन है, ये एंगल है 54 पूरा, तो मुझे जेड एंगल बताओ जरा कितना होगा, जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हाँ कि नहीं, ये बीच में कुछ है भूल जाओ, कंप्लीटली भूल जाओ कि ओ है कोई लाइन है, फिलहाल जेड, तो जेड इज इक्वल टू 180, ओके यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, 62 प्लस वाई कितना है 54 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, तो z कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 616, है ना, तो z हो जाएगा 64 डिग्रीज, देखो तो ये z पूरा के पूरा मिल गया मुझे 64 डिग्रीज, करेक्ट, अब क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये जो मैंने रेड बनाई, दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ y, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वाई का मतलब होता है बच्चों जो वाई को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो ये एक्स और ये भी एक्स दोनों इक्वल हो जाएगा, ये छोटू इस छोटू से इक्वल, करेक्ट, तो देखो फिर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 64, टू एक्स इज इक्वल टू 64, एक्स इज इक्वल टू 32, आई बात समझ, है ना, तो ये जो अंदर का है ये हो गया 32, यस ओ सॉरी 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 54 है ना, आई एम सो सॉरी 54, तो ये हो जाएगा 27, है ना, तो ये अंदर का एंगल कितना हो गया 27, और ये बाहर वाला भी 27, क्लियर है, उसी तरह से अगर दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ जेड, बाइसेक्टर मतलब क्या, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, तो लेट्स से ये वाई है तो ये भी वाई होगा, देखो ये छोटू एंगल और ये छोटू इक्वल है, बिकॉज़ ओजेड इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, सो क्या मैं लिख सकता हूं वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 64, टू वाई इज 64, वाई इज इक्वल टू 32 डिग्रीज, यस, तो ये कितना हो गया 32 और ये कितना हो गया 32, ये पूरा 64 है, 32 प्लस 32 ऐसे करके, करेक्ट, अब सिर्फ ये छोटा ट्रायंगल लो अंदर का, ये छोटू ट्रायंगल ये वाला, है ना, ये एंगल कितना है 27, ये एंगल कितना है 32, तो कैन यू से कि ये एंगल कितना होगा, एंगल ओ प्लस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ कि नहीं, तो देखो एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 5, 59, एंगल ओ इज इक्वल टू कितना होगा ये 121 डिग्रीज,
तो ये है एंगल ओ, ये पूछा है उन्होंने। यस, फाइंड द मेजर ऑफ वाई ओ जेड, ये देखो वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121। कैसे ये एंगल सम, एंगल सम किस में, ये छोटे ट्रायंगल में। यस, वाई ओ जेड ट्रायंगल में एंगल सम लगा दो तो ओ की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डाउट जिसने पूछा था, आई होप समझ में आया, और फिर भी नहीं समझा होगा तो वंस अगेन क्या बोल सकता हूँ, मार्क करके रखो फिलहाल, या तो लाइव क्लास में फिर से बताऊंगा, या वेरी सून विल हैव अ लाइव क्लास, या तो फिर क्लास में मिलेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, आई होप बाकी सब तो क्लियर है एटलीस्ट। हाँ, बस ये दो ही डाउट्स भेजे थे, इसके अलावा विल टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस नाउ। सो दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एक दो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के जो बचे थे वो कर लेते हैं। यस, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7, फिगर दिया है और क्या दिया है देखो, गिवन QT is perpendicular to PR, okay? Given is QT is perpendicular to PR. देखो ये है QT और ये है PR, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है, this is given. तो can I write angle QTR is equal to 90 degree? और क्या गिवन है, ये वाला एंगल 40 दिया है, एंगल TQR is equal to 40 एंड एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 30, ये वाला एंगल 30 दिया है। बोल रहा है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है, यार ये तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी सवाल है। सी ये ट्रायंगल ले लो, ये ब्लैक वाला जो मैं बना रहा हूँ अभी, सी दिस ट्रायंगल, और थोड़ा डार्क बना देता हूँ उसको, मतलब बहुत इजीली दिखेगा तुमको। देखो ये ट्रायंगल, टेक दिस ट्राइंगल, सिर्फ इस डार्क ट्राइंगल को देखो गाइस, और कुछ नहीं देखना बाकी फिगर। सो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, देखो सिर्फ इस ट्राइंगल को, यस, एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हाँ कि नहीं। क्यू कितना है 40 प्लस टी कितना है 90 प्लस एक्स इज 180 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एक्स कितना हो गया 50 डिग्री। यस, तो खत्म, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्लियर है, तो एक्स की वैल्यू मिल गई। अब वाई निकालना है, ठीक है, तो अब मैं ये फिगर को थोड़ा इरेज करके फिर से बनाऊंगा, आई होप एक्स तो समझ गया, एकदम ईजी था। नेक्स्ट, अब इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला, लुक एट दिस ट्रायंगल, परफेक्ट, ये है इसका एक्सटर्नल एंगल y, और ये है ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, हाँ कि नहीं। सो कैन आई राइट इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PSR, PSR ट्रायंगल में क्या हो रहा है देखो, 30 प्लस x इज इक्वल टू y, y is equal to 30 plus x, reason क्या लिखोगे, exterior angle property, ठीक है क्या, देखो y is the exterior angle, x and 30 are the interior angles, तो खत्म, y is equal to 30 plus x की value कितनी है 50, तो y is equal to 80 degree, easy and simple, done and dusted, clear hai? So this is a very simple question, solved example number 7 textbook se. Ek aur karte hai. Okay, example number 8 from textbook, ye bhi main class mein sikhaunga, theek hai? So overall there are 3 questions from the textbook which I said I will teach in class, don't worry, bahut jaldi milenge aur class mein ye 3 questions karenge. ठीक है, काफी लेंदी है वो, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं सामने बैठ करके समझाऊंगा, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल 8 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ओके गाइस, किसी ने ये याद दिलाया कि सर शायद थ्योरम 6.6 छूट गया है, ठीक है, तो कर लेते हैं उसको। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर,
इसका मतलब क्या है यार, ये हमने यूज किया, मैंने सिखाया भी है, बट एज अ थ्योरम नहीं सिखाया इसको. सी, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, इसका मतलब भी समझो, फिगर भी समझो, गिवन भी समझो, टू प्रूफ भी बता दो. देख, दिस इज लाइन एल, है ना, विच इज पैरेलल टू एम. ठीक है, गिवन, गिवन क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, एल इज पैरेलल टू एम, एंड देयर इज वन मोर लाइन एन, ये भी एम से पैरेलल है, एन इज आल्सो पैरेलल टू एम. मतलब एल इज पैरेलल टू एम, एन इज आल्सो पैरेलल टू एम. यस, टू प्रूव इज एल इज पैरेलल टू एन. देखो, दिस लाइन वन एंड लाइन टू आर बोथ पैरेलल टू एम, यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर. लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, सो वन एंड टू आर पैरेलल टू द सेम लाइन एम, यू हैव टू प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर. बात समझ में आ रहा है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना. तो इसका प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे इसको, सो लेट देयर बी दीज टू लाइन्स, थ्री लाइन्स, एल एम एन, ये तीन लाइन रहने दो, एंड लेट्स ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल. एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल एक्स, इसको बोलेंगे एंगल वाई, इसको बोलेंगे एंगल जेड, चलेगा, है ना. प्रूफ, प्रूफ. अब यहां देखो क्या गिवन है, एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम, एल एम से पैरेलल है, देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर वन, क्या हम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, कैसे कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, एल एम से पैरेलल है तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा. नाउ ऑल्सो एन इज पैरेलल टू एम, एन भी एम से पैरेलल है, तो क्या हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू z, हाँ कि नहीं, z इज इक्वल टू y, कैसे कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ कि नहीं, यस yes? तो देखो x भी y से इक्वल है, z भी y से इक्वल है, तो x और z इक्वल हो गया, x इज इक्वल टू z, कैसे, फ्रॉम वन एंड टू, हाँ कि नहीं, बट x और z तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देखो तो एक दो तीन, ये और ये है कि नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस, x z आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हमने प्रूव कर दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर l इज पैरेलल टू n बाय कॉनवर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम. आई बात समझ, यस. सो देखो वंस अगेन रिकैप, रिकैप बोल रहा है कि x इज इक्वल टू y, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, y इज इक्वल टू z, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, हाँ कि नहीं. अब x y से इक्वल है, y z से इक्वल है, तो x z से इक्वल होगा, x z से इक्वल होगा, हाँ कि नहीं. और अगर x z से इक्वल है तो यार ये तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन l इज पैरेलल टू n, किसके करस्पॉन्डिंग है ये, l का और n का. देखो x l के ऊपर है और z n के ऊपर है, तो ये दोनों पैरेलल, क्लियर है. सो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन वन लाइन टू बोथ आर पैरेलल टू दिस लाइन, देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब तीन लाइन्स अगर एक दूसरे से पैरेलल है तो तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, तीनों भी एक दूसरे से इक्वल, क्लियर है. एंड दैट इज योर थ्योरम. सो गाइस, आई वॉन्टेड टू टेक, आफ्टर दिस आई वॉन्टेड टू टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट देन दैट आई विल स्टोर फॉर रिविजन, है ना. सो आफ्टर हम लोग ये टेस्ट आएगा, अभी इस चैप्टर का टेस्ट आएगा, आफ्टर द टेस्ट आई विल शेड्यूल वन मोर सेशन
फिर अभी तो बहुत बार रिवीजन होगी तो हर बार नए क्वेश्चंस करेंगे. नाउ रिमेम्बर टेक्स्ट बुक खत्म. अभी मैं बार बार टेक्स्ट बुक नहीं कराऊंगा इसका. देयर विल बी न्यू सम्स दैट आई विल बी टेकिंग अप. ठीक है, ऐसे ही रहेंगे यार, इसी पे बेस्ड रहेंगे. लेकिन प्रैक्टिस नए नए सम्स पे करो. टेक्स्ट बुक का सारा सॉल्यूशन मैं उम्मीद करता हूँ आपने आपके पास बहुत अच्छे से लिख के रखा है. यस, सो अब हम करेंगे न्यू टाइप वेराइटीज. सो आई विल रेस्ट्रिक्ट दिस सेशन टू अ वेरी शॉर्ट वन टुडे. प्लीज रिवाइज द एंटायर चैप्टर, रिवाइज ऑल द थियरम्स, वेरी इंपॉर्टेंट थियरम्स और उसके प्रूफ्स प्लीज रिवाइज करो एज अ होमवर्क फॉर टुडे. देखो मैंने टेक्स्ट बुक का हर एक सम करवाया है ना, एटलीस्ट खुद से रिविजन करो. देन वील डू अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऐसे ही होते हैं, अब नया कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा सा वेराइटी रहेगा. फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. विल बिगिन विद समथिंग न्यू व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन. सी यू गाइज, टेक केयर, बाय.